सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशन। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपुरोहित है और आज हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में देखेंगे फंडामेंटल मॉडल्स। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्किटेक्चर मॉडल और आज के वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल मॉडल्स। तो भाई आपको भी पता है कि आर्किटेक्चर मॉडल वो सब होता है कि कंपोनेंट्स को किस तरह से प्लेस करना है, दोनों के बीच में इंटरैक्ट कनेक्शन वो सब। लेकिन फंडामेंटल मॉडल क्या होता है? फंडामेंटल मॉडल इज मोर अबाउट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। ये क्या कहता है, ये यूजर को परमिशन दे देता है और उससे पूछता है थोड़ा और डिटेल में कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, जो भी हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ मेरे को, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ध्यान रखना रखता है वो, रिस्क ऑफ फेलियर क्या है, क्या रिस्क है उसके फेल होने का, क्या सिक्योरिटी मेजर्स है, वो सारी चीज़ें फंडामेंटल मॉडल ध्यान रखता है। जब हम कोई भी सिस्टम बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है वो फंडामेंटल मॉडल का काम होता है ध्यान रखने का। इतना क्लियर हो गया? हाँ। तो इसके अंदर तीन मॉडल्स हैं, इंटरैक्शन मॉडल, फेलियर मॉडल और सिक्योरिटी मॉडल। ठीक है, तो एक एक करके हम सब देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला मॉडल है इंटरैक्शन मॉडल। अब देखो, फॉर एग्जांपल हमने बोल दिया कि अपनी मशीन्स बहुत सारी है, अलग अलग जगह लग गई है, तो अभी हर मशीन अपना एक काम कर रही है, एक मशीन में प्रोसेस रन हो रहा है, उसके बाद पहली मशीन का काम दूसरे के मशीन में जाएगा, तो पहला मशीन कुछ और करेगा, दूसरा अपना काम चालू करेगा, उसके बाद तीसरे पे जाएगा। तो बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारे जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? उसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब में, कि सबको पता होना चाहिए ना उनका काम क्या है, कितने टाइम तक उन्हें काम करना है, फिर किसको उसका दूसरा काम अपने काम से उसको देना है। तो वो सारी चीज़ें एक मॉडल में तो पहले से परफेक्ट होनी चाहिए या फिर अच्छे से होनी चाहिए, तो वो काम हैंडल करता है इंटरैक्शन मॉडल। तो ये क्या बता रहा है कि कॉम्पिटिशन अक्योर्स विद इन प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस में कॉम्पिटिशन होता है। ओके, द प्रोसेसेस इंटरैक्ट बाय पासिंग मैसेजेस, और ये कॉम्पिटिशन होने के समय जो प्रोसेस है वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करती है, बाय पासिंग मैसेजेस। तो तीन चीज़ों का, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पासिंग मैसेजेस में। सबसे पहला है कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है, अभी ये कम्युनिकेशन पहला है, और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कहता है सिंक्रोनाइज एंड ऑर्डरिंग ऑफ एक्टिविटीज बिटवीन प्रोसेसेस, मतलब वही कि फॉर एग्जाम्पल PC1 है, PC2 है, PC3 है, PC4 है, तो इनके बीच में एक सिंक्रोनाइज होना चाहिए कि हाँ भाई मेरा काम हो गया तो तू ले ले, तेरा काम हो गया इसको दे दे, उसको उसको दे दे, मतलब उनको पता होना चाहिए उनका काम क्या, उनको अपने एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी तो एक पूरा टास्क अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो इंटरेक्शन मॉडल इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखता है, कम्युनिकेशन का और कोऑर्डिनेशन का। अभी दो टाइप की चीज़ें होती है भाई, समझ रहे हो? ये करने के लिए दो टाइप के ना मॉडल्स हम लोग यूज़ करते हैं इंटरेक्शन मॉडल में, एक होता है सिंक्रोनाइज मॉडल और दूसरा होता है असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन मॉडल। ठीक है, तो अभी कम्युनिकेशन करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए हम लोग दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिंक्रोनाइज और दूसरा होता है असिंक्रोनाइज। अभी सिंक्रोनाइज क्या होता है मैं बताता हूँ, मतलब ये मेन इंटरेक्शन मॉडल मेन क्या करता है, कम्युनिकेशन का ध्यान रखता है कि एक दूसरे से प्रॉपर मैसेज बात कर पाए, और दूसरा कौन सा ध्यान रखता है, कोऑर्डिनेशन को, कि हाँ भाई एक दूसरे से कोऑर्डिनेट भी अच्छे से कर पाए, इसको इसका काम दे दे, उसको उसका काम दे दे, और आपस में चीज़ें शेयर करके बरोबर काम करे। ठीक है, तो अभी ये कराने के लिए, मैसेज पासिंग करने के लिए और कोऑर्डिनेशन करने के लिए दो तरीके, एक है सिंक्रोनाइज मेथड। सिंक्रोनाइज मेथड में क्या होता है, प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिंग इन अ लोन लोअर एंड अपर बाउंड टाइम, मतलब एक प्रोसेस को, एक पीसी को मैंने एक प्रोसेस दिया तो उसको एक पर्टिकुलर हम लोग टाइम दे देते हैं। ठीक है, कि भाई तेरे पास 10 सेकेंड है, ये टाइम से ये टाइम तेरा टाइम है, इतना टाइम में तेरे को प्रोसेस करना है, फिर दूसरे पीसी को देना है, समझ रहे हो? ये पहली चीज। दूसरा, मैसेज इज रिसीव विद इन अ नोन बाउंड टाइम, कि उसको भेजना, मतलब मैसेज सेंड किया, उसको रिसीव किया, तो उसका एक नोन बाउंड टाइम होना चाहिए कि भाई देख 10 सेकंड में मैसेज आ जाना चाहिए। तीसरा, नोन लोकल क्लॉक ड्रिफ्ट रेट। अब ये लोकल क्लॉक ड्रिफ्ट रेट आपको नहीं पता होगा तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली क्लॉक ड्रिफ्ट रेट क्या होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल PC1 है, PC2 है, PC3 है, PC4 है ना, तो सबके पास है ना पूरे शुरुआत में एक टाइम सेट करते हैं क्या भाई ये टाइम है, उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अभी ये टाइम से इसको एक भेजना है तो उसको बोला कि तू 8 बजे काम करना, मैं 7 बजे तेरे को, 7 बजे मैं तेरे को 8 बजे मैं तेरे को सामान दे दूंगा, तो काम करना शुरू कर देना। पर यहाँ पे तो 8 बज गए लेकिन इसके पीसी में 8 ही नहीं बजे ना, समझ रहे हो क्या? तो सारी क्लॉक रेट सेम होनी चाहिए लेकिन क्लॉक रेट सेम होती नहीं है, आप समझ रहे हो? तो हर पीसी के अंदर अपना एक क्लॉक होता है जो हम शुरुआत में सेट करते हैं, लेकिन कुछ पीसीज के जो क्लॉक्स है वो कुछ लैग कर जाते हैं, कुछ पीसी के क्लॉक पीछे रह जाते हैं, तो जो टाइम एक्चुअल टाइम से लैग कर रहा है या फिर जो टाइम आगे गया है उसको कहते हैं क्लॉक रेट, ड्रिफ्ट रेट, क्लॉक ड्रिफ्ट रेट, उसको क्या कहते हैं, क्लॉक ड्रिफ्ट रेट। इसका मतलब क्या है कि 5 सेकंड पीछे हैं या फिर 30 मिली सेकेंड या फिर 10 मिली सेकेंड, ये आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। तो ये पहले से हम लोगों को सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन में पता रहता है कि मेरी जो दूसरी मशीन है
वो इतना टाइम आगे पीछे चल सकती है, नोन रहता है क्लॉक रिफ्रेंड, तो सिंक्रोनाइज वॉट सॉर्टेड रहता है। इसमें क्या ना गड़बड़ होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि हम लोग ने पहले से बताया गया है कि एक प्रोसेस इतना काम ही करेगा, इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड टाइम बता दिया गया है पहले से ही, तो उसके बाद वो दूसरे को देना ही पड़ेगा। मैसेज आने का टाइम और जाने का टाइम भी पहले से बताया हुआ है, तो उसमें भी टेंशन नहीं है। और जो क्लॉक ट्रिफ रेट है वो भी हमें पता है कि हाँ भाई इतना डीले हो सकता है। इतना क्लियर हो गया, ये होता है सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन में। लेकिन इसकी गड़बड़ क्या है पता है, ये सब सारी चीज़ों को एक बार प्रॉपर अरेंज करना, सब देखना, प्री डिफाइन सब चीज़ें करना, ये ना करने को तो बहुत ऐसे सुनने को तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्चुअल आप उसको इम्प्लीमेंट करने जाते हो ना, तो बहुत सारा सीन हो जाता है। और बहुत इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको ये रियल वर्ल्ड में लाना बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। कहीं ना ये लोग एक आध प्रोसेस ना टाइम लगा ही देता है, जिसको उतना दिया है फिर भी वो उतना टाइम नहीं लगाएगा तो सीन हो जाता है। ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन में। असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन में कोई बाउंड नहीं होता, तेरे को एक प्रोसेस को जितना भी एग्जीक्यूट टाइम लेना ले, तू 5 सेकंड ले 10 सेकंड ले, फर्क नहीं पड़ता। मैसेज ट्रांसमिशन डिले होगा तो चलेगा, मतलब अरे बोला था 5 सेकंड में आना चाहिए या फिर ये टाइम पर आना चाहिए, नहीं चलेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड 50 सेकंड। क्लॉक ड्रिफ्ट रेट भी इसका कोई है ना बाउंड नहीं है, ये कितना भी हो सकता है। तो एक्चुअली ना सिंक्रोनाइज प्रैक्टिकली आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, मतलब एक एग्जैक्टली इसीलिए ये लोग क्या करते हैं असिंक्रोनाइज, मतलब कि अगर हम लोगों को पता है कि 30 मिली सेकेंड में काम होना चाहिए या फिर 3 सेकेंड में काम होना चाहिए, तो अपन उसको एक 6 सेकेंड का टाइम देते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके भी आप इंटरेक्शन मॉडल कर सकते हो कि भाई 3 से ज़्यादा 6 सेकेंड में नहीं हुआ तो चेक करो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होगी। तो इसका जो मेन काम होता है सारा, अगर मैं बोलूँ तो इंटरेक्शन मॉडल का इतना ही काम होता है कि वो कम्युनिकेशन देखता है कि जो अलग अलग प्रोसेस है वो आपस में बात कर पाए, और दूसरा कोऑर्डिनेशन देखता है कि भाई एक प्रोसेस का काम हो गया तो दूसरे को दे दे, दूसरे का काम हो गया तो तीसरे को दे दे, और पूरा एक काम अच्छे से निपट जाए। तो इंटरेक्शन मॉडल ये हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फेलियर मॉडल। फेलियर मॉडल क्या होता है? फेलियर मॉडल डिफाइंस एंड क्लासीफाइज द फॉल्ट। अभी आप कोई भी सिस्टम बना रहे हो तो उसमें गलतियाँ भी तो हो सकती है ना, कुछ फेलियर्स भी तो हो सकते हैं, तो उसको पहले से ध्यान रखना, तो वो फेलियर मॉडल का काम होता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ फेलियर फेलियर दैट मे अक्योर इन अ सिस्टम। ये जानना जरूरी है ना, समझना जरूरी है कि कौन से फेलियर हो सकते हैं भाई अपने सिस्टम में। तो कुछ 5 टाइप के फेलियर हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। पहला फेलियर एक टाइप होता है जिसको कहते हैं फेल स्टॉप। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस हॉल्ट्स एंड रिमेन हॉल्टेड हॉल्टेड अदर प्रोसेस कैन डिटेक्ट दैट द प्रोसेस इज फेल्ड। मतलब एक प्रोसेस है ना हॉल्ट हो गया, रुक गया, और वो वहीं रुका हुआ है, तो दूसरे प्रोसेस को पता चल जाता है कि हाँ भाई वो उसका सीन हो गया, वो फेल हो गया। ये होता है फॉल्स स्टॉप। ये तो फिर भी ठीक है क्योंकि अब दूसरे प्रोसेस को पता है कि वो फेल हो गया। क्रैश है दूसरा टाइप का। क्रैश का क्या सीन है, इसमें प्रोसेस हॉल्ट हो गया और रिमेन हॉल्टेड है, और अदर प्रोसेस को पता भी नहीं है, आर नॉट एबल टू डिटेक्ट हिज स्टेट। उनको पता भी नहीं है कि फेल हो गया, कि चालू होने वाला कुछ नहीं, तो ये क्रैश होता है। तीसरा होता है ओमिशन। ओमिशन ओमिशन में क्या होता है, अ मैसेज इंसर्टेड इन आउटगोइंग मैसेज बफर नेवर अराइव एट द एंड इनकमिंग मैसेज बफर। मतलब मैंने यहाँ से मैसेज भेज दिया लेकिन वो सामने वापस कभी कभी पहुँचा ही नहीं, बीच में ही उसका मतलब गायब हो गया, कुछ भी हो गया, तो ये ओमिशन होता है। चौथा है आर्बिट्ररी। तो आर्बिट्री प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस एग्जिबिट्स आर्बिट्री बिहेवियर, मतलब अनवांटेड बिहेवियर एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे सेंड और ट्रांसमिट अपने हिसाब से कर रहा है ये, कोई भी टाइम पे कमिट कर रहा है मिशन, स्टॉप कर रहा है और फिर इनकरेक्ट स्टेप ले रहा है, तो कभी कभी आपकी मशीन पागल हो जाती है भाई, कुछ भी करते रहती है, जो जिसकी ये टाइम पे ज़रूरत नहीं है, कोई भी मिशन ले रही है, कुछ भी कर रही है, कमिट कर रही है, इनकरेक्ट स्टेप कर रही है, तो वो होता है आर्बिटरी प्रोसेस मॉडल, मतलब फेलियर मॉडल। इतना क्लियर हो गया, तो वो होता है आर्बिटरी फेलियर मॉडल। अब आया था टाइमिंग फेलियर। क्लॉक ड्रिफ्ट एक्सीड अलाउेबल बाउंड, मतलब अगर बोला है कि क्लॉक ड्रिफ्ट अपना 10 सेकंड रहेगा तो चलता है रहा, उन्होंने ऐसा बोल दिया, क्लॉक ड्रिफ्ट ले लिया 50 सेकंड से 1 मिनट, बता रहे इतना डिले होगा तो थोड़ी चलेगा यार, समझ रहे क्या? तो क्लॉक ड्रिफ्ट जब अपना अलाउेबल बाउंड को एक्सीड कर देता है तो वो भी एक टाइप का फेलियर है। तो ये कुछ फेलियर मॉडल थे। अब आ जाते हैं सिक्योरिटी मॉडल पे। तो अभी आप यहाँ से आपका पीसी कहीं दूर है, देखो आपस में मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे हो तो सिक्योरिटी बहुत सही है, समझ रहे हो क्या? लेकिन आप इंटरनेट के थ्रू बात कर रहे हो या फिर यहाँ से वहाँ से कहीं भी कम्युनिकेट कर रहे हो दूर से, तो सीन हो सकता है ना, बीच में आपका मैसेज पढ़ा जा सकता है, आप पे अटैक्स हो सकते हैं, मतलब आपके मैसेज पे अटैक्स हो सकते हैं, तो बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर। सो देर आर सेवरल पोटेंशियल थ्रेट्स अ सिस्टम डिजाइनर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ। तो आप जब अपना सिस्टम बनाते हो उसके पहले से उसको 2-3 थ्रेट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो पहले से अपने को प्रिवेंशन लेनी चाहिए। तो पहला है थ्रेट टू प्रोसेस। थ्रेट टू प्रोसेस मतलब क्या, एन अटैकर सेंड्स अ रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्ड यूजिंग फॉल्स आइडेंटिटी। मतलब एक इंसान आपके प्रोसेस को फॉल्स आइडेंटिटी, खुद को कुछ और बता के आपको रिक्वेस्ट भेजेगा
और वहाँ से या फिर आपको रिस्पॉन्ड कर देगा और आपको लगेगा अपना ही बंदा है, लेकिन ये भी गड़बड़ हो सकती है, प्रोसेसर्स में फिर गड़बड़ कर सकता है वो। सेकेंड है थ्रेट टू कम्युनिकेशन चैनल, मतलब एन अटैकर में लिसन टू द मैसेज एंड सेव, मतलब अगर आपने कुछ मैसेज भेजा आपको बहुत अति सीक्रेट मैसेज है, मतलब इससे तो आपकी कंपनी तबाह हो सकती है और अटैकर ने पढ़ लिया तो सीन हो सकता है ना, अच्छा नहीं है। ओके सो तीसरा है डिनायल ऑफ सर्विसेज। अभी डॉस सबको पता है, इसमें क्या होता है, आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो अपने यूजर्स को, आपके यूजर्स से कुछ 100 और आप एक टाइम पे 100 रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर पाते हो, लेकिन किसी थर्ड बंदे ने 100 रिक्वेस्ट आपको एक साथ भेज दी जो आपका यूजर ही नहीं है, वो ऐसे ही अनसर्न आपको फटाफट फटाफट रिक्वेस्ट भेज रहा है, अब आपका सर्वर हो गया हैंग, अब जो एक्चुअल यूजर है उसको ना सर्विस दे ही नहीं पा रहा। तो अटैकर में ओवरलोड द सर्वर बाय मेकिंग एक्सेसिव रिक्वेस्ट। तो इन सबको संभालने के लिए क्रिप्टोग्राफी और ऑथेंटिकेशन यूज़ होता है, जिससे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। उसी तरह से डॉस के लिए भी काफ़ी चीज़ें ये लोग देखते हैं ताकि अनवांटेड जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सब संभाली जाए। तो ये थे कुछ फंडामेंटल मॉडल्स। पहला था इंटरैक्शन मॉडल जो ध्यान देता है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन में। फेलियर मॉडल ध्यान देता है कि फेल होने के क्या क्या चांसेस है उसको प्रिवेंट करता है। सिक्योरिटी मॉडल ध्यान देता है कि भाई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो सिक्योरिटी को प्रिवेंशन करता है। अगले वीडियो में हम और बहुत कुछ देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।